कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं बायोटिन के बारे में। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। बायोटिन एक तरह का विटामिन है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स में आता है, विटामिन B7, विटामिन H, काफी सारे नाम से आता है। आजकल तो शैम्पू में भी बायोटिन आता है। बायोटिन का काम होता है, जैसे ही आप फूड कंज्यूम करते हो उस फूड को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, मतलब ग्लूकोज में, जिससे आपको एनर्जी मिलता है। विटामिन B7 ये काम करता है। आप सोचेंगे सिर्फ बायोटिन ही काम करता है, ऐसा नहीं है। तभी विटामिन एंड मिनरल्स का काम करना जरूरी होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, जब आपका कोई स्किन प्रॉब्लम हो, हेयर या नेल्स का कोई प्रॉब्लम हो, या थिनिंग के प्रॉब्लम हो, तो बायोटिन लेना जरूरी है। हेयर लॉस हो तब भी बायोटिन लेना जरूरी है। काफी रिसर्चों से ये पता लगता है कि बायोटिन हेयर लॉस या हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। दोस्तों, बायोटिन फूड से भी हमें मिल जाता है, लेकिन उतना नहीं जो डेली रिकमेंडेशंस को पूरा करे, इसलिए एक्सटर्नल आपको लेना पड़ेगा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर मिनोक्सिडिल के साथ आपको बायोटिन दे देता है। बायोटिन का डेली रिकमेंडेड डोजेस है 10 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम तक, कभी कभी 100 मिलीग्राम तक भी लेना पड़ता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में बायोटिन ले लेते हो तब भी इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट नजर में नहीं आया। बायोटिन एक वाटर सोल्युबल विटामिन है जो यूरिन के द्वारा निकल जाता है। ये एक नॉन टॉक्सिक विटामिन है। अगर आप डायलिसिस में हो और बायोटिन लेना चाहते हो तो डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लेना कि इसको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आप सिगरेट पीते हो तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। कच्चे अंडे 2 से ज्यादा लेते हो तो बायोटिन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके कोई स्किन प्रॉब्लम या हेयर प्रॉब्लम है तो आप 5 mg से 10 mg तक डेली ले सकते हो। मार्केट में 2 तरह के बायोटिन अवेलेबल है, एक 5 mg के और एक 10 mg के। अगर आप 10 mg का ले रहे हो तो दिन में एक बार लीजिए, रात को खाना खाने के बाद। ये मेरा मानना है। ऐसे तो आप कभी भी ले सकते हो। अगर आप 5 mg का लेते हो तो ब्रेकफास्ट में और डिनर में आप ले सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, तो डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लीजिए। ऐसे तो बायोटिन हर कोई ले सकता है, ये FDI अप्रूव है और लोकल मेडिसिन स्टोर या ऑनलाइन स्टोर हर जगह ये आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।